तो दोस्तों देख सकते हैं हमारे पास एक मैकेनिकल कंपनी का OCO ग्लू रिमूवर टूल है। तो दोस्तों आप अपने डिस्प्ले के अंदर जो OCO पेपर लगा रहता है तो उसको आसानी से क्लीन कर सकते हैं इस टूल की मदद से। तो फाइनली दोस्तों इसका लुक कुछ इस तरह से है, देख सकते हैं ब्यूटीफुल लुक है। तो आपको मैं बताता हूँ इसमें क्या क्या रहता है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑन ऑफ के लिए दिया गया है। यहाँ पे एक चार्जिंग कनेक्टर दिया गया है जिसकी मदद से इसके अंदर जो बैटरी है उसको आप चार्ज कर सकते हैं, तो ये अच्छी बात है। तो दोस्तों यहाँ पे इसको अगर आप लाइट को ऑन करना चाहते थे LED को, तो उसके लिए आपको यूज़ करना है। और ये माइनस प्लस जो दिया गया है इसकी मदद से जो है आप OCO ग्लू को जो रिमूव करेंगे डिस्प्ले के अंदर, ये प्लस के बटन को दबाएंगे तो ये सीधी तरह से घूमेगा, अगर माइनस को दबाएंगे तो उल्टी तरह से घूमेगा। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं LED टॉर्च लाइट दिया गया है, ठीक है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये LED को किस तरह से ऑन करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले इसको ऑन करते हैं, ऑन होने के बाद आपको मैं बताता हूं। तो इसको एक बार प्रेस करके रखेंगे तो ये आपका ऑन हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे इसमें चार्ज वगैरह फुल तो नहीं है, लेकिन ये आपका अगर फुल चार्ज होता तो चारों लाइट ऑन हो जाता। तो देख सकते हैं ये मैंने प्लस को दबा रहा हूँ तो ये घूमना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस को हम दबाएंगे तो ये उल्टी तरह से घूमेगा। ओके, तो यहाँ पे LED को अगर आप जलाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे दो बार इसको प्रेस करके रखना है तभी ये जलेगा। ओके, तो मैं इसको देखिए मैं करता हूँ तो यहाँ पे नहीं हुआ, तो हमारा ऑफ हो गया एक बार में। तो फिलहाल मैं फिर से एक बार करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे दो बार आपको जल्दी जल्दी में इसको प्रेस करना है तभी ये LED ऑन होगा, ठीक है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। ओके, तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा LED लाइट जो है ऑन हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह से इस टूल की मदद से आराम से रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको बाय करना है तो बाबा टूल से बाय कर सकते हैं, या फिर आप ऑफलाइन से भी इसको बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट।